जय नारायण। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द MOT, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सिंपली इन MOT वी सी द बॉन्ड ऑर्डर, एंड बॉन्ड ऑर्डर हियर कुड बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट फ्रैक्शन में भी यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, वेव मैकेनिक्स के बारे में हम लोग MOT में भी स्टडी करते हैं कि जब आपस में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर, तो वेव मैकेनिक्स को भी डिफाइन करता है। देखिए, सपोज़ दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करें तो ये क्या बनाएंगे, H2 का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दे बोथ विल कम्बाइन विथ ईच अदर, एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक में कंबाइन हो जाएगा और एक क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। VBT थ्योरी में क्या फेलियर था, देयर वॉज सम फेलियर इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ड्यू टू विच MOT केम इन टू एग्जिस्टेंस, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़्यादा बेटर MOT था। अब देखते हैं VBT के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला, VBT जो था ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स को नहीं बताया था, मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल नॉट डिफाइंड। सेकेंड, मैग्नेटिक जो नेचर हमारा होता है किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का, वो VBT थ्योरी में नहीं एक्सप्लेन किया गया था, या किया भी गया था तो बहुत ही कम, और उसमें भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी VBT थ्योरी में क्लियर नहीं हुआ था। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी फेल हुई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। सपोज़ ये हाइड्रोजन है, ये 1s1 का है सर, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये भी 1s1 का ही है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिटल बनाए हैं इसको हम AO बोलते हैं, दैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो दो और ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एक ऑर्बिटल इस तरीके, एक ऑर्बिटल इस तरीके, और ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इसको हम बोलते हैं H2 के मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल। तो कुछ इस तरीके से MOT को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ MOT, सम मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ऑफ MOT। फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसको कि हम एटम्स भी बोलते हैं, या MO जो होता है वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को AO से रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स रहता है। MO जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स के लिए होता है। सेकंड, एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए 1s, 2s एंड 2p, 1s, 2s एंड 2p, p में तीन होते हैं। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा या पाई से, केवल सिग्मा एंड पाई, ये है हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग विथ ईच अदर। ठीक, देखिए सपोज 1s 1s के साथ कंबाइन किया, 1s कंबाइन विथ 1s, तो हमारे 1 एंड 1 2 ये क्या है, एक देखिए कंबाइन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कंबाइनिंग हो गए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल हुआ। इस तरीके से कंबाइनिंग एंड फॉर्मेशन हमारा होता है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। फोर्थ में देखिए 1 एक ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ, तो अगेन 1 एंड 1 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 टॉप पे एंड 1 डाउन पे। ये जो टॉप का होता है, क्योंकि वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं तो zeta1 - zeta2 लिख सकते हैं टॉप को, एंड बॉटम को zeta1 + zeta2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप का जो है इस पर स्टार लगा दें, मीन्स ये एंटी है, दिस वन इज़ योर एंटी एंड दिस वन इज़ योर बॉन्डिंग, इसको हम कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी विल बी मोर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तभी देखिए मोर एनर्जी लेवल को ऊपर रखें। एंड जीटा वन जीटा टू ये आपका जो है, ये आपका बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल,
ये स्टेबल होता है, इसके वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है एज़ कंपेरिजन टू द एंटी बॉन्डिंग। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझिए। अगर दो वेव नेचर की बात करें आपस में कंबाइन होती हैं, इफ़ टू वेव कंबाइन विथ ईच अदर देन कंस्ट्रक्टिव, फिजिक्स का थोड़ा टॉपिक आ गया, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल ऑकर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड केस है, अगर दो वेव इफ़ टू वेव्स कंबाइन का तो देख लिया, इफ़ टू वेव सब्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रही हैं, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल ऑकर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा कि यहाँ हो रहा है, जिसको कि हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए Z1 Z2 के साथ ऐड हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में Z1 - Z2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो Z1 Z2 से ऐड होगा, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो Z1 - Z2 होगा। चलिए ऐसा होगा तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, Z1 में से Z2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। Z1 और Z2 ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, इसकी लेस एनर्जी होती है, इसकी मोर एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ, कंबाइनिंग जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइनिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड सेम सेप का हो, या एक दूसरे के आसपास के नियरली या नियरली सेप एनर्जी लेवल का हो, तभी कॉम्बिनेशन जो होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का वो यूज होता है। जैसे कि सिग्मा या पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा एंड पाई में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस हो जाएगा। जैसे एक प्लस का चार्ज किसी दूसरे के प्लस के चार्ज अगर मीट कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो प्लस माइनस प्लस और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड बन रहा है कंस्ट्रक्टिव में तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर। और बाद अगर एक प्लस किसी दूसरे नेगेटिव के साथ ऐड हो रहा है, 1s और 1s के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो देखिए कुछ इस तरीके से, आपका प्लस यहाँ पे नेगेटिव और बीच में ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन वो स्पेस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, दिस प्लेस ये जो बीच में आ रहा है नोडल प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देख लीजिए एक एग्जांपल, ये 1s है, ये भी आपका 1s है, दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए, तो ये जो टॉप में मिला ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, इसको सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करेंगे, एंटी क्लॉक है तो स्टार लगा दिया है, और ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिकुलर इस तरह। देन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का देखते हैं, एक सिग्मा एंड दो पाई बॉन्ड होंगे, पी ऑर्बिटल है तो 1 2 3 and 1 2 3 1 2 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर, फर्स्ट वाला इससे मीट करेगा, सेकंड वाला इससे एंड थर्ड वाला इससे। अब जब इस तरीके से ये मीट कर लिए, ठीक है, जब ये इस तरीके से आपस में मीट करें तो यहाँ पे पी जेड क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, PX और PX क्या बन गया, पाई, एंड PY पाई, मतलब दो पाई एक सिग्मा,
इतने बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो गए। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, 2PZ कंबाइन हो रहा है किसी सेकंड 2PZ से, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से बॉन्ड आपका बनेगा, माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है। ये जो दो टू नोड आपके दिख रहे हैं, दीज आर टू नोडल प्लेन। एंड सेकंड केस भी लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे रहे हैं माइनस के साथ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब क्या हो जाएगा, एक बड़ा लूप एक छोटा लूप, एक छोटा लूप और एक बड़ा लूप। अब नोडल प्लेन्स 1, 2 एंड 3, ये तीन नोडल प्लेन्स बने, अब हमें मिले 3 नोडल प्लेन, नेगेटिव पॉजिटिव ओपन्स दे दीजिए। तो इस तरीके से NN का कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है। अब अगर सिग्मा हो गया, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे होगा, वो होगा साइड वाइज इंटरफेरेंस से होगा, लाइक PX का PX से या PY का PY से, कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख ले रहे हैं, तो एक लोब आपका ऊपर होगा पॉजिटिव, नेगेटिव लोब नीचे होगा और यहाँ पे एक नोडल प्लेन हमारा बच जाएगा। सेकंड ये 2PX एंड 2PX का देख लिए, अगर डिस्ट्रक्टिव को हम देखें तो माइनस कर रहे हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, नोडल प्लेन तो हमारी यही है, बीच में ये रहेगा, एक ऐसे बनेगा तो एक ऐसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और एक, ये दो, और ये जो था हमारा था पाई 2PX बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंड ये क्या है, ये हमारा है पाई स्टार 2PX एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब जितने रूल्स आपके लगते थे इसके पहले, हम लोगों ने जितने रूल्स पढ़े हैं सब रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या था, ऑफ बाउस प्रिंसिपल। अब बाउ प्रिंसिपल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दोनों को हम फिल करेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। सेकंड जो रूल है वो क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंटी बॉन्डिंग ऊपर रहेगा एनर्जी के हिसाब से एंड बॉन्डिंग नीचे रहेगा, ये अभी हम लोगों ने बना के देखा था। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में देखिए, दो इलेक्ट्रॉन्स को जब भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे इन फर्स्ट ऑर्बिट, देयर कैन बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, इन देयर कैन बी ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट इज हंट्स रूल, दैट इज इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करेंगे तो पहले हाफ एक एक करके वो ओरिएंटेट होंगे, उसके बाद वो बॉन्डिंग करेंगे। इफ ऑर्बिटल एनर्जी आर सेम देन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड विथ सेम स्पिन, स्पिन सेम होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग हम स्टार्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग इज स्टार्टेड। पहले तो हाफ अनपेयर्ड होंगे स्पिन के साथ एंड देन वो, और यहाँ पे N प्लस L का जो रूल होता है वो वैलिड नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब, जब लेस देन इक्वल टू 14 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये एक साथ होते हैं एक के, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन इसके बाद पाई 2PX, दैट इज़ इक्वल टू, एनर्जी दोनों की सेम होती है, पाई 2PY,
देन सिग्मा 2 PZ, इसके बाद है हमारा पाई स्टार 2 PX, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू पाई स्टार 2 PY, इन दोनों के भी एनर्जी लेवल सेम ही होगी, एंड दैट द लास्ट सिग्मा स्टार 2 PZ। इस चीज़ को आपको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू लर्न दिस, लर्न वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के बेसिस पे हम एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई जो भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में MOT में कैलकुलेट करेंगे। यू ऑल नीड टू लर्न दिस। अब सपोज H2 का हम केस लेते हैं, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब सिग्मा 1s2 में ही फिल होगा, सिग्मा स्टार 1s2 तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये हाइड्रोजन केस हो गया। हीलियम अगर ले लें 2 HE2, मतलब हीलियम के 2 अगर हमारे पास एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर फिलिंग करेंगे इसमें तो कैसे होगा, सिग्मा 1s2, 2 इसमें आ गए और एंटी बॉन्डिंग में 2 चले जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2, ये दिख रहा है। तो ये इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखा गया है कि इस तरीके हम MOT में फिलिंग करेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर जब हमें निकालना होता है वो होता है NB-NA/2। बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के, अगर आपको स्टेबिलिटी पता करना है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड की लेंथ अगर पता करनी है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे MOT स्टडी करने में और ईजी होगा। देन इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर भी हम MOT से पता लगा सकते हैं। 2 तरीके के मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं आपके MOT में, जितने भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है, दैट इज़ फर्स्ट मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक अगर होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड डाया मैग्नेटिक होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से हम इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करेंगे, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को MOT के द्वारा बनाना। Li2 का हम सबसे पहले बनाते हैं, लिथियम 2 हैं, 1 में 3 तो 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, फिलिंग करिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है, कुछ इस तरीके से भरा जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा NB-NA/2, बॉन्डेड पेयर में एंड एंटी बॉन्डेड में। बॉन्डेड में देखिए 2 है और 2 4 है, 4-स्टार जो लगा है वो एंटी बॉन्डिंग को होता है, 4-2/2 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब Li के बीच 1 बॉन्ड होगा, क्लियर है। चलिए सेकंड अब देखते हैं, Li2+, तो इसके पास कितने हो जाएंगे आपके, नहीं Li2+ नहीं देखते, वी आर गोइंग टू सी Li2-। माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। अब इसका करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड एट द लास्ट सिग्मा स्टार 2s1, इस तरीके का कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो 2 2 4 4 बॉन्डेड में है, 2 और 1 3 एंटी बॉन्डिंग में, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ, बताया था मैंने कि फ्रैक्शन में भी हमारे बॉन्ड ऑर्डर्स इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब लिथियम का हो गया बेरिलियम Be2, बेरिलियम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4-4, क्योंकि 2 2 4 ये क्या है बॉन्डिंग का है और ये 4 एंटी बॉन्डिंग का, डिवाइड बाय 2 0। नेक्स्ट है हमारा Be2, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बोरॉन में, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद पाई का आएगा, पाई 2 PX
दैट इज इक्वल टू एनर्जी कंसिड्रेशन के अकॉर्डिंग पाई टू पी वाई, दो दो चार दो छः दो आठ, टोटल 10 चाहिए थे, 8 हो गए, तो एक एक दोनों के पास जाएगा। पढ़ा था हम लोगों ने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट, ऑलवेज एक्सक्लूसिव हंड्स रूल एंड हाफ पाओ, तो एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे ड्यू टू एनर्जी कंसिड्रेशन। बाउंड ऑर्डर निकालेंगे तो दो दो चार चार और ये दो छः, छः बाउंडेड में है माइनस चार एंटी बाउंडिंग में, टू से डिवाइड कर देंगे वन आ गया। मैग्नेटिक नेचर अनपेयर्ड है, दिख रहा है आपको अनपेयर्ड है मैग्नेटिक नेचर। अनपेयर्ड अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे हो जाएंगे पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सी टू, सी टू कार्बन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, देन पाई टू पी एक्स दैट इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। तो दो चार छः आठ, ये टोटल 8 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, 8 दो 10 और दो 12। अब ये चीज़ बार बार आ रही है तो इसको हम लोग के और के से डिफाइन करते, के एंड के डैश। के किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू के लिए के एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए के डैश। तो अभी आप समझ जाएंगे क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ, ताकि इतना बार बार रिपीट हम प्रोसेस ना करें, डायरेक्ट इसको करें। इस तरीके से कुछ इसका हो गया कन्फिग्रेशन। तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इन सब का तो मिला के ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको लेंगे ही नहीं। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, दो दो चार, फोर माइनस एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं है, टू से डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है, देखिए टू बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब देखिए जो हम आगे कॉन्फ़िगरेशन अब लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, के डैश, ये स्टार्टिंग का है सिग्मा वन एस का, सिग्मा टू एस का, देन टू पी टू एक्स दैट इज इक्वल टू पाई टू पी टू वाई, ऐसे भी तो ऑक्सीजन का लिख सकते थे। तो अब इस तरीके से हम लिखेंगे, ये ओ टू का मैंने लिख दिया। इसी तरीके एन टू का देखते हैं, 14th इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन तक का हम लोग देख रहे थे, ये लास्ट है। तो पहले तो के आ गया, देन के डैश आ गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्वायर हो गए, 14 चाहिए, मतलब टू पी टू एक्स दैट इज इक्वल टू पाई टू पी टू वाई। 8 के बाद 9 10 11 12, 12 यहाँ पे हो गए, बच गए दो, मतलब सिग्मा टू पी टू एक्स, एक्स नहीं कितना जेड, सिग्मा टू पी टू जेड। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, दो दो चार और ये दो छः, ये बॉन्डेड में है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, डिवाइड बाय टू कर दिया, आपका 3 आ गया। तो नाइट्रोजन का कोई भी नहीं है, तो मतलब ये डाया मैग्नेटिक है, क्यों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड, डाया मैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, आपको यहाँ से दिख रहा है भी है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है, तो 3 आ गया था वैल्यू। यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने देख लिया, 14th। अब 14th के बाद जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक है, चलिए उसको देख लीजिए, ट्राई करिएगा, याद कर लीजिए ये ट्रिक, हर समय फॉलो होगी, शॉर्ट ट्रिक, दैट इज 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है बॉन्ड ऑर्डर उसका, ठीक है, 10 11 12 13 14 16 17 18। ये जो होता है आपका मिडिल पे आ जाइए, 14th का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब आप टॉप पे जाएंगे चाहे बॉटम पे जाएंगे, दोनों जगह डिक्रीज हो जाएगा 0.5 से, टॉप पे जा रहे हैं तो मतलब 2.5, इधर भी डिक्रीज 2.5, इधर भी डिक्रीज 2 होगा, इधर भी 2, इधर 1.5, यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको इसमें पढ़नी है, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए ये 1s है,
साइड में बना लेते हैं ताकि इसको हम बार बार यूज़ कर सकें। ये आपका 1s का ऑर्बिट है, ये भी 1s का ऑर्बिट है, 1s 1s। अब ये कुछ इस तरीके से आपस में कंबाइन रहते हैं, यहाँ पे एक ये जो बना सिग्मा 1s और ये जो है सिग्मा स्टार 1s का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों के 1s का, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमारा आ जाएगा 2s 2s का, 2s 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 2s। अब ये इस तरीके से कुछ कंबाइन हो जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो एक यहाँ पे ये किसका है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देन 1s हो गया 2s हो गया, अब आपका पाई का और पी ऑर्बिटल्स का आएगा। पी ऑर्बिटल्स में हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 1 2 3। अब ये वाला फर्स्ट वाला ऐसे जाएगा, इससे मिल जाएगा, एंड सेकंड वाला ऐसे आएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इसको थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं जी, सेम ट्रेंड ऊपर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आएगा दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट इज पाई 2px एंड पाई 2py, यहाँ पे सिग्मा 2pz। यहाँ पे दो ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए वो हुए आपके पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड ये जो टॉप पे एक ऑर्बिटल बना ये आपका बना सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया आपके एनर्जी लेवल डायग्राम ऑर्बिटल्स के। आपको एक सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है, नोट दैट बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लेसर एनर्जी। देखिए जितने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं सब बॉटम पे हैं और इन सब की एनर्जी क्या होती है। चलिए अब कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ, जैसे कि B2 का सबसे पहले हम लेते हैं, सिग्मा 1s2 होगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px दैट विल बी इक्वल टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 होता है, तो एक और एक यहाँ आ जाएगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अब हम लोग इस ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं, 1s2 में कितने हैं 2, तो 1s2 में कितने 1 एंड 2, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 और 2, ये 1s2 का हो गया। अब 2s2 पे देखिए एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग पे भी 2 2 हैं, तो 1 2 1 2, और यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दिस वन इज़ योर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये जो होता है बीच वाला मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भर दिया हमने। अब इसके बाद पी ऑर्बिट में अगर हम आएंगे तो देखिए पाई 2p1x एंड पाई 2py, मतलब एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है B2 का, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग B2 के बाद आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा ईजी है, N2 का बनाते हैं हम लोग। N2 में देखिए कितने होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक नाइट्रोजन की बात करें 1s2 2s2 2p3, इस तरीके से होगा। चलिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन पाई 2px दैट विल बी इक्वल टू पाई 2py। 2 4 6 8, 2 10 2 12, एंड एट द लास्ट सिग्मा 2p2z, ठीक है। चलिए अब इसको फिलिंग करते हैं, यहीं पे फिलिंग होगा ये सब में जितने हैं, रब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही चेक कर लीजिए। देखिए 1s2 में 2 2 यहाँ पे आ जाएंगे, देन 2s2 में 2 2 2 यहाँ पे आ जाएंगे, देन 2p2 2py एंड सिग्मा 2px, दिख रहा है ना आपको। मतलब हमें एक्स वाई एन इन तीनों में सबसे पहले फिलिंग करना है, तो 1 2 3 3 यहाँ पे एंड 3 इस ऑर्बिटल में, क्लियर है। तो
तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनेंगे सिग्मा 2pz, देखिए 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, 2px में 2 आ गया, 2py में 2 आ गया एंड 2pz में 2 आ गया। इस तरीके से आपका ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया N2 का। तब सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है। इस तरीके से आप